और फिर से स्वागत है आपका पीएसटी ट्रैवलर्स के स्विट्जरलैंड सीरीज में। हमने आज दिन की शुरुआत एक सनी वेदर से की और आज हम निकले हैं दो माउंटेन एक्सकर्शन के आइटिनरी के साथ, स्टैंसरहॉर्न और माउंट रिगी। आज हमारा सिक्स्थ डे है स्विट्जरलैंड में और ये हमारा सेवेंथ एपिसोड है स्विट्जरलैंड सीरीज का। हमारे प्रीवियस एपिसोड में जैसे हमने दिखाया कि इंटरलाकन ओस से कैसे हम गोल्डन पास रूट होते हुए लूसर्न पहुंचे, आज भी हम उसी तरह लूसर्न आए, फिर लूसर्न से नेक्स्ट ट्रेन लेके हम स्टैंस पहुंचे 20 मिनट्स के ट्रैवल टाइम में। एज हमें स्टैंसरहॉर्न के बाद माउंट रिगी भी जाना है तो हमने सोचा थोड़ा इंफॉर्मेशन सेंटर में पूछ लेते हैं कि हाउ टू गो देयर। Then go first to Stanford and then we check how you can go to Rigi. Okay. Because it depends when you're down. उन्होंने बताया कि पहले आप स्टैंसरहॉर्न घूम के यहाँ आइए, फिर अकॉर्डिंग टू द टाइम वी विल टेल यू द शॉर्टेस्ट एंड द फास्टेस्ट रूट टू गो देयर। तो अभी चलते हैं स्टैंसरहॉर्न की तरफ। यहाँ से 5 टू 10 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस में स्टैंसरहॉर्न का कॉगविल स्टेशन आता है, जहाँ से हम पहले कॉगविल लेके पहुँचेंगे काल्की स्टेशन तक। बेसिकली हम आज अपने स्विस ट्रैवल पास का फिफ्थ यूटिलाइज करने वाले हैं, क्योंकि ये माउंट रिगी और स्टैंसरहॉर्न दोनों एक्सकर्शन इस स्विस ट्रैवल पास के साथ फ्री है। यहाँ पे डायरेक्शंस का साइन इजीली दिया हुआ है तो उसको फॉलो करते हुए अभी हम पहुँच गए कॉगविल स्टेशन तक। एज हमारे पास स्विस ट्रैवल पास है तो ये स्टैंसरहॉर्न का पूरा एक्सकर्शन इसमें इंक्लूडेड रहता है, तो हमें कुछ पे नहीं करना पड़ेगा आज कहीं पे भी इस एक्सकर्शन के लिए। सिर्फ टिकट दिखाओ और एंजॉय द राइड। ये लूसर्न से स्टैंसरहॉर्न की जो जर्नी है ये भी अराउंड 6,000 to 7,000 हमें पे करना पड़ता अगर हमारे पास स्विस ट्रैवल पास नहीं होता तो। ये जर्नी टू पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट में हम ये फ्यूनिकुलर ट्रेन से अराउंड 15 टू 20 मिनट्स में काल्की स्टेशन तक पहुंचेंगे। काल्की स्टेशन यहां से 710 मीटर अबव सी लेवल है। ये जो इंक्लाइंड रूट है इस फ्यूनिकुलर ट्रेन की, जस्ट ऑसम। वाओ क्या नजारा है। एज यूजुअल मैं फिर कहूंगी कि स्विट्जरलैंड की हर एक ट्रेन जर्नी अपने में ही एक अलग एक्सपीरियंस है। और अभी हम काल्की स्टेशन पहुंच गए हैं और अभी हम यहां से सेकेंड पार्ट ऑफ दिस जर्नी स्टार्ट करेंगे, जो केब्रियो केबल कार में स्टैंसरहॉर्न तक ले जाएगी हमें। ये काफी यूनिक केबल कार है जो डबल डेक है और जिसमें टूरिस्ट इसके ओपन रूफ में खड़े होके चारों तरफ के सीनिक व्यू को एंजॉय करते हुए ऊपर स्टैंसरहॉर्न तक पहुंच जाएंगे। जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, यहाँ हर पीक और माउंटेन्स को एंजॉय करने के लिए क्लियर स्काई का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अगर फॉगी होगा
तो हमें कुछ सीनिक व्यू दिखाई ही नहीं देगा। थैंक्स टू गॉड कि हमें हमारे अकॉर्डिंगली सब डेज सनी मिले एंड वी आर एंजॉयिंग द व्यूज फुलेस्ट। इट्स सच अ यूनिक एंड अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस। Ab 5 Uhr am Abend wäre die letzte Fahrt. Dann bitten wir sie einfach spätestens dann parat zu sein, um wieder runterzufahren. Ich tue nachher gerade hier oben auf, dann müssen sie nicht extra wieder runterkommen zum Aussteigen. Merci. Bei Fragen einfach ungeniert melden. Englisch? Englisch? Ja, sure. Alright, soon we're gonna reach the top of Mount Stanzerhorn. There you see a viewing platform. You can reach the platform in about 15 up to 20 minutes walking. As well, there's like a hike around the Stanzhorn. It lasts around 1 hour, 2 hours, depends on you, how much time you want to spend there. And then we have a self-serve restaurant where you can get some really delicious food and nice drinks. Then the last ride down is at 5:15. Just don't miss it, otherwise you have to walk down. What else? I'm gonna open up here, so you don't need to come down to get out of the cable car. And don't hesitate if you have any questions. ये जर्मन में जो बोला हमें कुछ समझ में नहीं आया, but सुन के बड़ा ही स्वीट लगा। यहाँ के स्टाफ्स काफी स्वीट और हेल्पफुल होते हैं। ये देखिए, रूफटॉप से हमें एक सुंदर पैनोरामिक व्यू देखने को मिलता है। अभी हम दोनों पार्ट के जर्नी कवर करते हुए स्टैंसरहॉर्न माउंटेन तक पहुंचे हैं, जो सी लेवल से 1898 मीटर हाइट में है। वाओ, ये ऊपर से चारों तरफ का नजारा, माय गॉड। एक्चुअली ये ऊपर से हमें पूरा लुसर्न लेक नजर आता है। ये जो माउंटेन्स और लेक्स का कॉम्बिनेशन है स्विट्जरलैंड में, जस्ट अमेजिंग। एज हमें यहाँ से नेक्स्ट माउंट रिगी भी जाना है, तो यहाँ हम थोड़े फोटो क्लिक के फिर नेक्स्ट हमारे जर्नी के लिए नीचे की तरफ जाएंगे। स्विट्जरलैंड आके अभी तक हमने जितने भी केबल कार राइड्स लिए हैं, उसमें मुझे ये कैब्रियो का राइड सबसे बेस्ट लगा। जो कैब्रियो एक्चुअली जिसमें हम अभी ट्रैवल कर रहे हैं, उसका एग्जैक्ट आपको व्यू दिखाते हैं। देखिए, वो जो नीचे से आ रही है, ठीक वैसे में ही हम अभी नीचे की तरफ जा रहे हैं और वो ऊपर की तरफ आ रही है। माय गॉड, ये सच्ची में स्विट्जरलैंड में हमने कितने वैरायटी ऑफ केबल कार अभी तक चढ़ लिए हैं। थोड़ा सा एक्सपेंसिव तो है ही स्विट्जरलैंड, बट ये वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस जो हम गैदर कर रहे हैं, सच्ची में दीज आर ऑल अनफॉरगेटेबल। यहाँ से हम फिर अभी फ्यूनिकुलर ट्रेन लेंगे और फिर वापस जाएंगे स्टैंसरहॉर्न। यहाँ इंफॉर्मेशन सेंटर से हमें जो बस नंबर बोला है, अभी हम वो बस में चढ़े हैं और इसमें हम अभी जाएंगे। 10 मिनट्स राइड करते हुए पियर तक पहुंचेंगे। वाओ, ये बस जर्नी भी कितनी सीनिक है। ये स्ट्रीट्स के अंदर से जो जा रही है बस,
इनकी स्ट्रीट्स भी इतनी सुंदर लगती है। हम अभी स्टैनसन हॉर्न कंप्लीट कर चुके हैं, वहाँ से उतर के हम अभी माउंट रिगी जाने वाले हैं। हमें वो रास्ता पता नहीं था, हमने वहाँ पे इंफॉर्मेशन सेंटर में पूछा तो उन्होंने हमें वहाँ से एक बस नंबर दिया, वो 311 बस पकड़ के हम यहाँ एक पियर तक आए हैं। यहाँ से फिर हम लेंगे बोट और फिर जाएंगे विड्सनाउ स्पॉट पे, वहाँ से फिर ट्रेन लेके माउंट रिगी क्लम तक पहुँचेंगे। तो देखते हैं यहाँ 32 में टाइम दिया गया है बोट का, कितने बजे तक आता है। वैसे सब यहाँ एकदम टाइमली आता है और चलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसी बीच में थोड़ा पियर घूम लेते हैं, बोट के आते आते थोड़े फोटो भी क्लिक कर लेते हैं। और ये आई हमारी बोट। ये हर एक बोट राइड ही अराउंड 2-3,000 तक लग जाता है, बट सब हमारा इंक्लूडेड है ये स्विस ट्रैवल पास में। सबसे बेस्ट मुझे स्विस ट्रैवल पास का यही पार्ट लग रहा है, जिसमें हम ये बोट राइड्स वगैरह करते हैं। और ये बोट राइड्स मतलब क्या बोले, काफ़ी यूनिक रहता है। ब्लू लेक्स और इनके साइड में ये छोटे टाउन्स, इनका जो सीनिक व्यू आता है, आई मीन जस्ट ऑसम। विड्सनाउ हम उतरते हैं पियर में और यहाँ से 30 मिनट्स के ट्रेन राइड में हम पहुँच जाते हैं माउंट रिगी। '1871 में फर्स्ट माउंटेन रेलवे यूरोप में शुरू हुआ अप टू रिगी कर्न तक। वी वोंट बिलीव बट रिगी रेलवेज ने अपना 150th एनिवर्सरी मनाया 2021 में। ये आज का हमारा सेकेंड एक्सकर्शन है और ये एक्सकर्शन भी हमारे स्विस ट्रैवल पास में इंक्लूड है। अभी अगर हमारे पास स्विस ट्रैवल पास नहीं होता तो हमें इस माउंट रिगी एक्सकर्शन के लिए अराउंड 6-7,000 पर हेड पे करना पड़ता। ये विड्सनाउ से माउंट रिगी ट्रेन जर्नी काफ़ी फेमस है, जो हमें ब्रेथ टेकिंग व्यूज के साथ अनफॉरगेटेबल इम्प्रेसिव एक्सपीरियंस भी देती है 30 मिनट्स के ट्रेन राइड में। तो अभी हम पहुंच गए हैं रिगी कल्म में। ये 1798 मीटर एलिवेशन में सी लेवल से है। और ये क्वीन ऑफ माउंटेन्स के नाम से भी जाना जाता है।
और यहाँ से 10 मिनट्स के छोटे से हाइकिंग से हम पहुँच जाते हैं एकदम हाईएस्ट पीक तक। और ये रिगी कल में एक 96 मीटर हाई ट्रांसमीटर भी है। ये माउंट रिगी सेंट्रल स्विट्जरलैंड में है और ये तीनों तरफ से लेक लुसर्न, लेक जुग और लेक लॉर्स से घिरा हुआ है। टाइम टू कैप्चर द मोमेंट एंड क्लिक सम फोटोज। ये ट्रांसमीटर के 6 मीटर हाइट में एक प्लेटफॉर्म भी बना हुआ है जहाँ से 360 डिग्री पैनोरामिक व्यू मिलता है ये रिगी कल्म का। काफी जोरों की भूख लगी है तो हमें कुछ अभी खाना है। यहाँ की दो चीज हमें काफी टेस्टी लगी वो है फ्रेंच फ्राइज और योगर्ट या दही बोल सकते हैं जो फ्रूट के फ्लेवर में आती है जो काफी टेस्टी होती है। चलो कुछ गुड बाय पिक्स भी खींच लेते हैं। गुड बाय टू माउंट रिगी। फीलिंग टू टायर्ड क्योंकि हमने आज दो बड़े एक्सकर्शंस एक दिन में कंप्लीट कर लिए हैं। नाउ वी आर बैक टू इट्स नाउ पियर। रिगी कल्म से हम पूरा ट्रेन लेके नीचे आ चुके हैं। अभी यहाँ से हम बोट लेके जाएंगे लुसर्न, फिर वहाँ से ट्रेन लेके इंटरलाकन ओस जाएंगे। So, it's time to go back to Interlaken. और ये आई हमारी बोट, अभी हम इसमें जाएंगे लुसर्न। ये अराउंड 1 आवर जर्नी में हमें लुसर्न तक पहुंचा देगी। अभी हम लुसर्न स्टेशन में हैं और ये गोल्डन पास ट्रेन पकड़ के फिर जाएंगे इंटरलाकन ओस। तो हुआ आज का दिन हमारा यही खत्म। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन गुड बाय एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर अ वीडियो।